नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अमित पंघाल आपके पंघाल फिटनेस पे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इम्प्रूव योर टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली। हाँ जी, सही सुना कि टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली कैसे सही करें अपना। तो गाइस, आप मसल बिल्ड करते हैं, फैट लॉस करते हैं, दोनों में ही आपको हेल्प करता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ओके, क्योंकि मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। आपने कईयों को देखा होगा साइकिल में यूज़ करते हैं, जिसे आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, आपका टीपी, साइपोनेट, एंथनेट, काफ़ी सारे बला बला जो भी हैं। आजकल तो बच्चे जीएच पे आ गए हैं, एडवांस हो गए ना। तो गाइस, उसको यूज़ ना करें, वो आज नहीं कल आपको साइड इफेक्ट ही देगा, ये बात पक्की है। आज नहीं देगा, कल पक्का देगा। तो बात अपने टॉपिक पे आते हैं कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जो सप्लीमेंट स्टैक से या कॉम्पिटिशन की तैयारी बाद साइकिल के बाद आपने देखा वो पीसीटी करते हैं बच्चे, उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो मेरे पास मैसेज आए हैं उसका भी यही है कि सर पीसीटी कर लिया बट टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है, इशारा समझ गए होंगे। तो गाइज, सीधी सी एक बात बताता हूँ, पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो आप कहते हैं ना कि एक वीडियो देखी थी मेरी, योद्धाओं की बातें करता है, ये बातें वो करता है, तो मुझे तो बहुत प्राउड है कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ, आपको भी होना चाहिए, मुझे तो बहुत है। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। हाँ जी, तो पहले के गाय ये टीपी वीपी यूज़ नहीं होते थे, साइपोनेट इंथ्रेंट कुछ यूज़ नहीं होता था। पहले के योद्धा दूध दही घी खाते थे। हाँ जी, क्योंकि सैचुरेटेड फैट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए। आपने देखा होगा पहले के बड़े बड़े पहलवानों को कि घी पीता है, ये पीता है, वो पीता है। अब तो सुना होगा फैट देता है, तो फैट तो है ही उसमें, मैं मना नहीं कर रहा फैट नहीं है, फैट है, लेकिन वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है। मैं ये नहीं कह रहा आप घी यूज़ करें, मैं ये नहीं कह रहा। तो एक मैं आपको पता टेढ़ा मेढ़ा जाता हूँ, तो पिछले की बात बता रहा था, एक वीडियो में बताई थी, तो कह रहे बकवास करता है वो, बकवास ही सही, हम तो ऐसे ही जन्मे और दूध दही का खाना यो मारा हरियाणा। तो चलिए अब सीधे आपके टॉपिक पे जाता हूँ। तो गाइज, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो बताता हूँ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करने के लिए। सबको सुना होगा ब्रोकली, सबको सुना होगा ब्रोकली यूज करें। अरे भाई, सब क्या नहीं मिलती ब्रोकली यार, सच्चाई में जियो, किताबों में गूगल पे कम जाओ, क्योंकि एक तो जाएगा मिडिल क्लास का बच्चा वैसी गाली खा के घर, दो दिन ब्रोकली खाएगा, तीसरे दिन घर बैठेगा, एक तो आती इतनी कॉस्टली है, और सब महानगरों में नहीं रहते तो कई जगह से नहीं मिलती ब्रोकली। हाँ जी, तो गाइज एक शिलाजीत आती है, किसी की भी यूज़ करें, मैं तो बाबा रामदेव की यूज़ करता हूँ गेम टाइम के बाद, वो मिल जाएगी आपको पतंजलि पे, किसी भी स्टोर पे मिल जाएगी। तो यूज़ करें अपनी शिलाजीत को, थोड़ा सा दूध लें उसमें, रात को सोने से पहले अपनी शिलाजीत यूज़ करें अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए, बहुत अच्छा इंक्रीज़ होता है। नहीं तो अश्वगंधा भी यूज़ कर सकते हैं गाइज, अश्वगंधा का पाउडर भी आता है, टैबलेट फॉर्म भी आती है, तो उसको यूज़ करें। हाँ जी, और दूसरी बात, सैचुरेटेड फैट में एक स्कूप अपना घी यूज़ कर लें, देसी घी से बोलते हैं, मैं तो गाय का देसी घी यूज़ करता हूँ, वो पता नहीं कहीं कहेंगे कैसी बातें कर रहा, लेकिन करता हूँ, जो है वो है, सच्चाई कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि सैचुरेटेड फैट भी आपकी बॉडी को चाहिए। ओके, आप ले सकते हैं जिसका मन करे, मैं बता सकता हूँ लेना ना लेना आपकी मर्जी है। तीसरी चीज़, आपका लेग्स का वर्कआउट जो नहीं करते, पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि इस पंगाल की आदत है पूरा टॉपिक यहाँ से ले जाना फिर वापस यहाँ लाना, क्योंकि इस शरीर में जो 60% है वो लेग्स है, जिस पे गौर नहीं करते आज का यूथ, क्योंकि किसी भी चीज़ की जान उसके, अब छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे गाड़ी है, गाड़ी लेते ही टायर मोटे करवाने, पापा क्यों, सही तो दिया कंपनी, नहीं पापा, तो बच्चे गाड़ी के टायर इसलिए मोटे करवाते कि उस पर सबकी नज़र जाए, तो ये हमारे गाड़ी के टायर हैं, इन पर थोड़ा ध्यान दें, स्क्वाट्स करें, लेग प्रेस करें गाइज, वो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करता है, 100% करता है, कहते हैं बकवास है 100%। जो लेग्स अच्छी करते हैं तो कहते नहीं मर्द की जान तो उसकी पटों में है, सुनी होगी बातें कईयों ने, तो ये सच्चाई है, लेग्स का वर्कआउट करें। ओके गाइज, तो यही टॉपिक था आज की वीडियो का, तो लेग्स का वर्कआउट करें, जो जो चीज़ें बताइए यूज़ करें। ओके, और एक छोटा सा टॉपिक और है, जब आप साइकिल फॉर्म पे आते हैं अपने टीपी, साइपोनेट, जो भी आपके सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन है, तो इंजेक्ट करते ही आपके माइंड को कमांड जाती है कि अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बेटा बंद कर दे, क्योंकि आर्टिफिशियल बॉडी में आ चुका है,
तो जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की ग्रोथ होती है वो बंद हो जाती है जब तक आप अपने बंद नहीं करते गेम टाइम में साइकिल, अपने स्टेरॉइड जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप पीसीटी करते हैं, उसके बाद भी आपके नेचुरल इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करते। तो गाइस प्लीज रिक्वेस्ट है, वैसे पंगा रिक्वेस्ट करता नहीं है क्योंकि यूथ बहुत गलत जा रहा है। मैंने कईयों के साथ देखा है, बहुत सी प्रॉब्लम आती है, कई तो ऐसी प्रॉब्लम आती है बच्चे डिस्कस भी नहीं कर पाते, किसको बताएं कि हेलो हो गया हूं। तो गाइज ये चीजें कम यूज करें, मेहनत पे ज्यादा ध्यान दें। प्लीज किसी भी तगड़े बंदे को देख के, किसी फिटनेस मॉडल को देख के ये ना सोचे अरे इसने भी चलाया था, गुरुजी ने बताया मैं भी चलाऊंगा। अरे भाई गुरुजी के तो दो पैसे बन रहे, गुरुजी तो बताएंगे, तेरे पास भी तो दिमाग है, यूज कर थोड़ा सा यार, क्योंकि लाइफ टाइम इस शरीर का ध्यान रखना है हमें, 2 महीने फोटोशूट कराना जब तक नहीं। तो ओके गाइज, तो बाय, लव यू ऑल, बहुत प्यार करता है पंघाल आप सबसे। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो आ रही है जल्दी।